फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपये चंदे में देता है। देखिए इसका मतलब समझिए, कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी यानी कि हर एक विद्यार्थी जो भी एक बच्चा पढ़ रहा है उस कक्षा में, विद्यार्थी जितनी संख्या है यानी कि जितनी उस क्लास में बच्चे हैं उसके घन के बराबर रुपए देता है। यानी अगर मानिए 10 बच्चे हैं क्लास में तो 10 के घन के बराबर रुपए देता है। यानी कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 × 10 इतना आ जाएगा 1000 रुपए। बच्चों की संख्या के घन के बराबर रुपए देता है हर एक विद्यार्थी। तो फिर उसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन करेंगे और आगे हमें दे रखा है, इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए अब इसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चंदे की कुल राशि कितनी है, 15625 रुपए। अब आगे लिखेंगे हम, हमें क्या निकालना है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो लिखेंगे कुल विद्यार्थी हो जाएंगे घन के बराबर है तो लिखेंगे, हमें पता नहीं है कितने विद्यार्थी हैं तो एक्स मान लेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया। अब सब बच्चों ने घन के बराबर रुपए कितने दिए हैं, 15625। तो अब एक्स बराबर हो जाएगा 15625 का घनमूल। अब इसका घनमूल निकालेंगे, ये जाएगा 5 से, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, ये 12 हो गया, ये 25 हो गया, 5 × 5 = 25, 5 × 5 एक बच गया, ये हो गया 12, 5 × 2 = 10 दो बच गए, ये हो गया 25, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 दो बच गए, ये हो गया 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 और 5 × 5। तो पेयर हमारे क्या क्या बन गए, 2 5 के। तो x बराबर 5 × 5 = x is equal to 5 × 5 का क्या हो गया, 25। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 25 यानी 25। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है, एक घनाकार टंकी में 1331 या 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। चलिए फिर इसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, घनाकार टंकी में पानी का आयतन कितना है, 1331 लीटर है। और देखिए फ्रेंड्स, हमें किसमें दे रखी है, 1 घन मीटर में बताने में, 1 घन मीटर में, तो लीटर में दे रखा है, इसे मीटर में लगाएंगे, ये हो जाएगा 1331/1000 घन मीटर। अब हम इसकी भुजा निकाल सकते हैं, मीटर में ही लानी है हमें इसकी भुजा। अब हम लिखेंगे, टंकी
या फिर हम लिखने वाले घनाकार टंकी। घनाकार टंकी की माप ज्ञात करनी है, माप बराबर हो जाएगी एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स बराबर एक्स क्यूब, किसके बराबर हो जाएगा 1331 अपॉन 1000। एक्स बराबर 1331 अपॉन 1000 का घनमूल, 1331 का हम घनमूल निकालेंगे, ये जाएगा 11 से, 11 बनता 11, 2 बच गए, ये हो गया 23, 11 टू द 21 22, फिर ये 11 हो गया, 11 बनता 11, 11 बनता 11, एक बच गया, ये हो गया फिर से 11, 11 बनता 11, 11 बनता 11, x बराबर 1331 का क्या है 11, ऐसे लिखेंगे पहले 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 3 बार 0 है, यानी कि 3 बार 10 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10। अब पेयर बनाएंगे एक 10 का और एक 11 का, x बराबर 11 अपॉन 10, घन मीटर भी लिख देते हैं हम, हमें अब हम इसे पॉइंट में ला सकते हैं, 10 है, एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगी, तो इसके इसका आंसर क्या आ गया 1.1 घन मीटर। तो फ्रेंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 3 घनमूल खत्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।